हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर दी है एमजी व्लॉग्स। दोस्तों मराठा आरक्षण पर आज हम बात करेंगे। अगर आप बाबा साहब के कट्टर चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जहाँ एक तरफ मराठा आरक्षण जोरों शोरों से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चिंदी यूट्यूबर हो या इंस्टाग्रामर हो, वो क्या कर रहे हैं, वो गलत सलत बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें 2 रुपये चावल के लिए, 2 रुपये गेहूं के लिए आरक्षण नहीं होना, हमें किसी तरह की भीख नहीं होना, हमें हमारा हक होना, ये वो। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसा वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेहूँ चावल जो है वो राशन कार्ड से मिलते हैं, आरक्षण से नहीं मिलते मेरे भाइयों। ठीक है, और आरक्षण एक भीख नहीं है, वो आपका हक है। बाबा साहब का सपना है कि आपको आरक्षण मिले, तो वो तो मिलना ही चाहिए मेरे भाइयों। तो इस तरह के घटिया वीडियो बनाना बंद कर दो। और अगर ये भीख है, अगर आप समझते हो ये भीख है, तो आप जो 8 घंटे की नौकरी करते हैं वो भी भीख समझिए। आज महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, वोटिंग का अधिकार, प्रेगनेंसी में 6 महीने की छुट्टी का अधिकार, स्त्री पुरुष समानता का अधिकार, फलाना ढिकाना ये वो, उनके ऊपर कुछ अत्याचार होता है तो उसके लिए जो अधिकार, ये सब भी भीख ही समझिए। और मराठाओं के अलावा और कोई दूसरा भी मेरा वीडियो देख रहा होगा जो आपको दिवाली में बोनस मिलता है, चाहे फिर आप किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो आपको दिवाली में बोनस मिलता है वो भी भीख समझिए। बाबा साहब ने इतना कुछ करके गए हैं, फिर भी उनका नाम तो लीजिए, गलत सलत ही बोलते रहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सच्ची घटना। बाबा साहब और मराठाओं के जो पाटिल थे, पंजाबराव देशमुख, उनके बारे में तो गौर से सुनिएगा। जब बाबा साहब कच्चा मसूदा लिख रहे थे संविधान का, तब सुबह सुबह पंजाबराव देशमुख बाबा साहब के घर पहुंचते हैं। बाबा साहब संविधान का कच्चा मसूदा ऑलमोस्ट लिख चुके होते हैं। बाबा साहब पंजाबराव देशमुख को कहते हैं कि आप इस मसूदे को थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, और अगर कुछ गलती हुई है मुझसे संविधान लिखने में तो मुझे आप बताइए, मैं ज़रा सा वॉक करके आता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपना संविधान की रफ कॉपी जो है वो पंजाबराव देशमुख जी के हाथ में देते हैं पढ़ने के लिए, और बाबा साहब वॉक पर निकल जाते हैं क्योंकि सुबह का समय होता है। कुछ देर बाद जब बाबा साहब टहल कर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि पंजाबराव जी जो है वो रो रहे हैं। इस पर बाबा साहब कहते हैं कि पंजाबराव जी, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या संविधान लिखने में, आप मुझे बताइए। इस पर पंजाबराव देशमुख, जो कि मराठाओं के पाटिल है, उनका उत्तर आप सुनिए। वो कहते हैं कि बाबा साहब आप धन्य हैं, और धन्य है आपका लिखान। मैं जो आपसे सिफारिश करने आया था कि हम मराठाओं को क्या क्या चाहिए, हमें भी आरक्षण दीजिए, वो आपने आपकी घटना में पहले ही नमूद कर चुके हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मराठा समाज के लिए इतना कुछ सोचा। तो दोस्तों मराठाओं को आरक्षण बाबा साहब ने 70 साल पहले ही संविधान में लिखा हुआ है। उससे पहले दोस्तों ओबीसी के लिए 340 ये स्पेशल आरक्षण दिया गया है। पर दोस्तों आपको बता दूं कि नेहरू जी ने मराठाओं का आरक्षण नामंजूर कर दिया। इस पर बाबा साहब ने सिर्फ मराठाओं को आरक्षण मिले इसलिए अपने कायदे मंत्री पद से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात थी। बाबा साहब की आप दूरदृष्टि सोचिए कि उन्हें पता था कि मराठाओं को आरक्षण की ज़रूरत है और उन्हें ये देना उनका हक है, लेकिन नेहरू जी के वजह से उन्हें वो मिल नहीं पाया। और फिर नेहरू जी ने मराठाओं को अपने झांसे में फंसाया और एक मोर्चा मराठाओं का बाबा साहब के निवास स्थान पर भेजा गया। वहाँ पर मराठाओं का ये कहना था कि हम कोई दलित नहीं, हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं, हमारे पास 50-100 एकड़ ज़मीन है, हम सक्षम है, ऐसा मराठाओं का कहना था। उस पर बाबा साहब ने जो उत्तर दिया वो भी सुनिए। आज आपको आरक्षण की अहमियत नहीं समझ रही है, लेकिन जिस दिन आपको आरक्षण की अहमियत समझेगी उस दिन उसे देने के लिए मैं नहीं रहूँगा। दोस्तों धन्य है वो बाबा साहब जिसने मराठाओं को आरक्षण देने का सपना देखा था, लेकिन कुछ उस समय के मराठाओं के वजह से वो मिल नहीं पाया। दोस्तों हम भी चाहते हैं कि आपको आरक्षण मिले, वो बाबा साहब का सपना था, लेकिन बाबा साहब के बारे में गलत सलत ना बोले, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई दोस्तों, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष सोहन लाल शास्त्री इनके किताब से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। दोस्तों हमारे मराठा भाइयों को तब समझ नहीं आया बाबा साहब की दूरदृष्टि के बारे में। वो वैसे ही होता है ना कि हमारे घर का अगर कोई इंसान विद्वान निकलता है तो उसको बाहर बहुत मानते हैं, लेकिन घर के अंदर हमें वो नॉर्मली लगता है, वो
वैसा ही बाबा साहब के साथ हुआ। उनको पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, लेकिन भारत में उनकी वैल्यू लोगों ने कम कर दी। सबसे मेन कारण था जाति की वजह से। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बाबा साहब से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मराठा भाइयों के साथ शेयर करिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।